वीरलपल्ली। तो हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार स्वागत करता मैं हूं आपका होस्ट दीपक। करते हम लोग क्या सीधी बात, नो बकवास बॉस। मैंने फाइनली एक और मूवी देख ली है जिसका नाम है दशहरा, जो कि साउथ मूवी की इंडस्ट्री से आया हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक, लाजवाब, शानदार, चुम्बेश्वर, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक मूवी है। मेरे को जाना पड़ेगा। और इसको पुष्पा से जोड़ा जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल डिफरेंस है। पुष्पा एक अलग मूवी था, एक अलग स्टोरी लाइन था, मगर यहाँ पे जो दशहरा है इसका अलग स्टोरी है। और ये आपको परफेक्ट, बहुत ही कम बजट का रॉ गांव का कल्चर और बहुत हाई फाई मेकअप का यूज नहीं हुआ है। तो दशहरा मूवी का स्टोरी लाइन बहुत क्लियर है। एक गांव रहता है जो कि खदान के पास रहता है, कोयले के खदान के पास बहुत ही, जिस कारण से गांव में कोयला ही कोयला सब जगह, उसका पाउडर काला काला डस्ट रहता है। और वहीं पे अपने सुपरस्टार कौन रहते हैं, नन्नी जी, जो कि बहुत खतरनाक और लुंगी में, और उनका स्टाइल जो माचिस से पता नहीं कैसे अपना बीड़ी जला रहे थे, लुंगी में मार रहे थे माचिस और उनका बीड़ी जल जा रहा था, वो अलग स्टाइल है। एक वो ट्रेन में जो स्टाइल करके करतब करते हुए कोयला चुरा रहे थे, वो बहुत खतरनाक लगा। थोड़ा सा मैं रिजेम्बलेंस करके अपना लगान मूवी का, यहाँ पे भी क्रिकेट मैच होता है जो कि बहुत दिलचस्प और इंगेजिंग रहेगा। और इस मूवी में अपनी जो हीरोइन रहती है वो बहुत ही सॉलिड, और उस मूवी में उनका नाम रहता है वेनिला, जो कि अपना एक आइसक्रीम का फ्लेवर है। और वहीं पे अपने नन्नी के एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम है सूरी, और इस सब के बीच में एक रहता है गुंडा जिसका नाम रहता है नम्बी। तो ये मूवी आपको राउंड एंड राउंड थोड़ा सा प्यार का मामला दिखाया जाएगा, और यहाँ पे गुंडा भी अपनी हीरोइन वेनिला को पाना चाहता है, जो अपने हीरो हैं नन्नी जी वो भी अपने वेनिला को पाना चाहते हैं, मगर वो इजहार नहीं कर पाते। और वहीं पे जो अपना शादी होने वाला रहता है वेनिले का, जो हीरो रहते हैं सूरी जी, मगर ड्यू टू सम रीजन सूरी का मौत हो जाता है। अब ये मूवी आप देखिएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये मूवी को देखने के लिए आपको 2 घंटे 48 मिनट देना होगा, जो कि अच्छे से कटेगा। और गाना बिल्कुल रॉ दिखाया गया है, और लास्ट में और बीच में और क्लाइमेक्स खुलेगा तो आप बोलेगा ऊ बाबा ऐसा भी बात है। और खून खराबा कटार, मतलब कि गंडासा जो चलता है, रॉ खून और सिनेमेटोग्राफी जो काला काला पूरा बदन पे कोयला लगा के अपनी हीरोइन वेनिला जी भी बहुत कंटाप लग रही थी, सॉलिड लग रही थी। लेकिन ये मूवी आप फैमिली वाले के साथ कंप्लीट देख सकते हैं कि इसमें उतना बिल्कुल भी प्रोविडेंट सीन नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसका जो मैसेज दिया गया है कि दारू को बंद करना है, आप जीते जीते दारू से बर्बाद हो ही जाते हैं और मरने के बाद भी दारू से बर्बाद हो जाते हैं, तो प्लीज आप लोग पीना छोड़ दीजिए। यदि पीते हैं तो अपने फैमिली वाले को सोचिए, आपके रहने के बाद क्या उन फैमिली मेंबर का होगा जिससे आप इतना प्यार करते हैं मगर आप पीते रहते हैं। तो स्टोरी लाइन अच्छा है, इसका सिनेमेटोग्राफी अच्छा है, बहुत कम बजट में आपको सब कुछ दिखा दिया गया है, इसको आप थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं इसको 5 में से देता हूँ 3.5 स्कोर। मैं गाना के लिए थोड़ा सा लिरिक्स, मेरे को हिंदी का उतना पसंद नहीं आया था, ये हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल है, जाइए थिएटर में देख के एंजॉय करिए। तो बस मैं अपने रिव्यू को यहीं पे, ऑनेस्ट रिव्यू को खत्म करता हूं। यदि आप मेरे ऑनेस्ट रिव्यू से 1% भी सहमत हैं तो मेरे चैनल को करना आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक मार के कमेंट कर दीजिए। भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, रात के 12 बजे 2 बजे आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। प्लीज आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन से खेलना और घंटे को भी टिंग कर देना, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलता है हम लोग कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टाटा, बाय बाय, एंजॉय।